हेलो दोस्तों, हां जी, तो एक बार फिर से मैं हाजिर हो चुकी हूँ आपके अपने मनपसंद YouTube चैनल फिल्मी बास्केट पर। अब तक तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, तभी तो इस नोटिफिकेशन की बदौलत हम फिर आपसे रूबरू हो गए। तो आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए हम आपको बता दें कि आज हम एक ऐसे सितारे की जानकारी लेकर आए हैं जिन्होंने अपनी जबरदस्त हिट फिल्म पुष्पा में रफ लुक अपना कर हम सभी को हैरान कर दिया। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर बन गए क्या? फायर एम गए। कहाँ छुपाया है? बता। बता दिया। तो मालिक छोड़ेगा नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। तो आज हम बात कर रहे हैं साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की। आज के समय में अल्लू अर्जुन एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं। इनकी बेहतरीन एक्टिंग का ही नतीजा है कि आज इस एक्टर की पॉपुलैरिटी बॉलीवुड और नॉर्थ इंडिया में तेजी से बढ़ रही है। ऐसे ही इनके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, और वो ये है कि एक्टिंग और डांसिंग के अलावा अल्लू अर्जुन को सिंगिंग का भी बहुत शौक है, जिसके लिए उन्होंने साल 2016 में अपनी आवाज फिल्म सराई नोडू के एक गाने में दी थी। अल्लू अर्जुन 7 करोड़ की वैनिटी वैन के मालिक हैं, जिसे रेड्डी कस्टम करावन ने डिजाइन किया है। अल्लू अर्जुन एकमात्र ऐसे तेलुगु एक्टर हैं जिनकी हर फिल्म की डबिंग मलयालम में हुई है। इनकी फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है कि इनकी फिल्म आर्या 2 साउथ के थिएटर्स में 100 दिनों तक लगी रही, और इस वजह से इनका नाम अल्लू अर्जुन पड़ गया। एक्टर के अलावा अल्लू अर्जुन एक चारकोल आर्टिस्ट भी हैं। उन्हें खाली टाइम में दूसरे आर्किटेक्चर ड्राइंग के साथ मानव शरीर की रचना को बनाना पसंद है। दूसरे सेलिब्रिटीज के मुकाबले उन्हें अपना जन्मदिन बहुत ही सादगी से बनाना पसंद है, और इस दिन वो ब्लड डोनेट भी करते हैं। फोटोग्राफी अल्लू अर्जुन की फेवरेट हॉबीज में से एक है, जो उन्हें स्ट्रेस फ्री करती है और उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में मदद करती है। अल्लू अर्जुन को सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, और हु मूव्ड माई चीज उनकी फेवरेट बुक है। अल्लू अर्जुन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपने करियर के तौर पर एनिमेशन को भी सीखा था, जिसे उन्होंने एक बैकअप ऑप्शन के लिए रखा था। तो कैसा लगा आपको मल्टीटास्किंग और मल्टी टैलेंटेड सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के बारे में इतना कुछ इंटरेस्टिंग जानकर? हमें बताइएगा जरूर। तो ऐसे ही और भी बेहतरीन सितारों के बारे में दिलचस्प बातें लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमसे यूं ही जुड़े रहें और अपना ढेर सारा प्यार और दुआएं देते रहें। अलविदा।